हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ अप्रैल नाउ एंड इंडिया में अभी समर पीक पर है. समर वैकेशन स्टार्ट हो चुके हैं. बट जब से हम यूएस आए हैं तो यूएस आने के बाद अप्रैल मंथ का हम ईगरली वेट करते हैं बिकॉज यू नो इन यूएस और स्पेशली इन ईस्ट कोस्ट अप्रैल मंथ इज ऑल अबाउट द स्प्रिंग सीजन. एंड स्प्रिंग में होते हैं ब्यूटीफुल से चेरी ट्रीज, चेरी ब्लॉसम होता है. सो वैसे तो वॉशिंगटन में इसका यू नो मेन फेस्टिवल होता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल. एंड लास्ट वीक वी वेर देयर बट आई डिडंट गेट चांस टू शूट. बट नाउ वी आर एट द ब्रांच ब्रूक पार्क विच इज इन द नेवा विच इज इन नेवाक न्यू जर्सी एंड आई विल शो यू ऑल अराउंड. सो लेट्स गो देयर. So this is the entrance area of this park and these are the restrooms over here. ब्यूटीफुल पार्क. सो एज यू कैन सी यहाँ पर काफ़ी फोटो शूट्स भी होते हैं. यू कैन सी राइट बिहाइंड मी यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है. सो नाउ वी आर एट द ब्रांच ब्रुक ड्राइव जहाँ पर ये सारे चेरी ट्रीज लगे हुए हैं. एंड ये जो चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स होते हैं इनकी लाइफ बहुत कम होती है एज दिस इज द एंड ऑफ विंटर नाउ. अप्रैल में फर्स्ट सेकेंड वीक तक ही ये रहते हैं बिकॉज यू नो इनकी लाइफ काफ़ी कम होती है. एंड इसी वजह से इन्हें देखने के लिए या पिक्स कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है अप्रैल के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में ही. सो लेट मी ऑन टेल यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस चेरी ट्रीज. सो ये जो चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स या ट्रीज होते हैं ये मेनली जापान में होते हैं. जापान में इन्हें सकुरा भी कहा जाता है. एंड जापान में इनका जो फेस्टिवल होता है जो कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है वो मनाया जाता है काफ़ी बड़े पैमाने पे. एंड उसे हनामा भी कहा जाता है जापान में. सो ये ट्रीज़ अभी यूएस में कैसे आए, तो यूएस में जो जापान के मेयर है उन्होंने 1912 में यूएस को ये ट्रीज़ गिफ्ट दिए थे. एंड इट वाज़ द सिंबल ऑफ देयर फ्रेंडशिप और टू ग्रो देयर फ्रेंडशिप मोर स्ट्रॉन्गर उन्होंने ये ट्रीज़ गिफ्ट किए थे यूएस को. एंड आफ्टर दैट ओवरऑल यूएस में भी ये ट्रीज़ यू नो स्प्रेड हो गए हैं और मेनली वॉशिंगटन डीसी में ये काफ़ी पाए जाते हैं. बट दिस इज़ द पार्क जहाँ पर मोर देन 5000 चेरी ब्लॉसम के ट्रीज़ है एंड मोर देन 18 वेराइटीज़ है इन चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स की इस पार्क में. सो इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क, यू कैन सी अराउंड. आई विल शो यू ऑल, दिस इज द ब्यूटीफुल पार्क. एंड यहाँ पर काफ़ी से चेरी ब्लॉसम के ट्रीज है बट यू नो एज दिस इज द एंड ऑफ अप्रैल नाउ काफ़ी चेरी ब्लॉसम जो फ्लावर्स है जो ब्लॉसम है वो काफ़ी चला गया है. बट स्टिल जो वाइट एंड पिंक फ्लावर्स होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं.
एज आई हैव सेड, ये काफ़ी बड़ा पार्क है, 360 एकर्स में ये पार्क बना हुआ है एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्क इन द सिटी ऑफ नेवाक एंड दिस पार्क हैज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ चेरी ब्लॉसम ट्रीज इन ओवरऑल US. सो चेरी ब्लॉसम के जो फेस्टिवल होता है वो काफ़ी जगह पर यू नो सेलिब्रेट किया जाता है. न्यूयॉर्क में भी, न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन में भी ये फेस्टिवल काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है. बट द ब्यूटी ऑफ दिस पार्क इज़ यहाँ पर काफ़ी चेरी ट्रीज़ है एंड ऑल्सो दिस पार्क हैज़ नो एंट्री फीस. एंड एज आई हैव सेड इट्स द एंड ऑफ अप्रैल नाउ. तो यहाँ पर ये जो चेरी ब्लॉसम के जो फ्लावर्स है ये अभी काफ़ी झड़ चुके हैं एंड जब ये फ्लावर्स झड़ते हैं इनकी पेटल्स जब ग्राउंड पर गिरती है इट फील्स लाइक द पिंक स्नो. पूरे ग्राउंड पर ये पिंक पेटल्स फैली हुई है एंड इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल. सो ये फ्लावर्स दिखने में तो सुंदर होते ही है बट इसके अलावा इनका काफ़ी जगह पर यूज़ भी किया जाता है. जो एरोमेटिक यू नो परफ्यूम्स होते हैं इन्हें बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट सैलड ड्रेसिंग्स में या कुकीज़ बनाने में भी इन फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है. एंड US में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर में ये चेरी ब्लॉसम के जो फ्लावर्स हैं ये पाए जाते हैं. इस पार्क से हमें एक चर्च का एक ब्यूटीफुल सा व्यू आता है जहाँ पर अभी हम जाएंगे. सो नाउ वी आर एट द चर्च विच इज द कैथेड्रल चर्च एंड दिस चर्च वी कैन सी फ्रॉम द पार्क एज वेल. सो इस चर्च का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड लेट मी ऑल जस्ट शो यू दैट. सो जब हम चर्च पहुंचे देयर वाज अ वेडिंग गोइंग ऑन एंड उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको इस क्लिप में दिखा रही हूँ. एंड नाउ वी आर लिविंग द पार्क. सो अगर आप भी न्यू जर्सी में रहते हैं तो आई विल डेफिनेटली यू नो सजेस्ट यू ऑल टू विजिट दिस पार्क वंस ड्यूरिंग द फर्स्ट टू वीक्स ऑफ अप्रैल बिकॉज उसी टाइम पर यहाँ पर चेरी ब्लॉसम जो होता है वो पीक में होता है. एंड आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो. सो इफ यू आर लाइक दिस वीडियो डू हिट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के साथ. टिल देन बाय, टेक केयर.